हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमना दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं एकदम रियलिस्टिक ये वीडियो बनाना चाहती थी, तो इसीलिए अभी है मॉर्निंग का टाइम, अभी मैंने नहा लिया है। अभी ऐसी मैं मतलब जैसे इस सिचुएशन में जैसे मैं स्किन केयर करती हूँ पूरा डिटेल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी सुबह का टाइम है, उतना मुझे स्किन केयर मतलब बैठ के करना मुझे मतलब टाइम उतना टाइम नहीं मिलता है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर का भी बहुत सारा काम होता है, तो मैं जो भी करती हूँ बहुत स्पीडी करती हूँ और मतलब जल्दी में करती हूँ, और मतलब ऐसे घूमते घूमते काम हो, थोड़ा बहुत किचन में काम करते हुए, थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करते हुए ऐसे करती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आज दिखाऊंगी, वैसे ही मैं आज शेयर करूँगी। तो एक होता है ऐसे वीडियो और एक होता है यही वीडियो को मैं अलग से बैठ के बनाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसे ही जैसे मैं डेली मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ वैसे ही आज दिखाने जाए। तो बस आज मैं वैसे दिखाऊँगी। मैं आशा करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो यूज़ करना होता है वो है क्लींजर। तो क्लींजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सिंपल का ये क्लींजर। तो कुछ दिन पहले इसका मैं डिटेल वीडियो मतलब डिटेल रिव्यू मैं डाली थी, अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, इसको मैं बहुत दिनों से मतलब 5-6 महीने हो गया है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसके ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे मेकअप नहीं करती हूँ घर पर, तो इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। पहले फेस वॉश करने से पहले ऐसे स्किन को भिगो लेना, मतलब ऐसे पानी से भिगो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद ये फेस वॉश को ऐसे हाथ में रब करने के बाद मैं इसको फेस वॉश कर लेती हूँ। तो अगर आप घर पे रहते हो तो पहले मैं बता दूँ, यहाँ मैं बहुत जल्दी में दिखाई हूँ, ऐसे जल्दी में नहीं करना है फेस वॉश। तो अगर आप घर पे रहते हैं तो दिन में एक बार फेस वॉश करना ही काफ़ी है। तो कितने टाइम के लिए, 1 मिनट, उससे ज़्यादा अगर करनी है तो 1.5 मिनट, आई मीन 1 मिनट बस सफिशियंट है। तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और मैं हर वीडियो पर बोलती हूँ इस नेक एरिया को छोड़ने का नहीं है, ये हमारा ही बॉडी पार्ट है। तो बस इसके बाद मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने फेस वॉश कर लिया है, फेस वॉश मैंने कर लिया है। टोनर अभी मैं टोनर नहीं यूज़ करूँगी, और टोनर मैं यूज़ करती हूँ ये ग्रीन टी, गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसको थोड़ी देर मतलब 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाऊंगी। तो अभी मैं यूज़ करूंगी विटामिन सी सीरम। दिन में विटामिन सी सीरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन की वजह से हमारी स्किन जो डैमेज हो जाती है, इसके यूज़ करने से हमें ये प्रोटेक्शन देती है ताकि हमारी स्किन सन से डैमेज ना हो। तो मैं ये AYA का फेस सीरम, विटामिन सी फेस सीरम यूज़ करती हूँ। इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सच बता रही हूँ। ये इसका प्राइस बहुत ही रिजनेबल है और बट रिजल्ट देता है। तो बस ऐसे इसको बहुत जेंटली यूज़ करनी चाहिए, विटामिन सी फेस सीरम ऐसे 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 नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा डैब करिए, बस कुछ टाइम बाद आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी। ये देखिए मैंने स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया है, उतना भी मतलब बहुत पतला है, इतना वारिसा नहीं लगता, फील नहीं होता है, मैंने कुछ लगाया है। और बस गर्मी में समर सीज़न में तो विटामिन सी सीरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप रात में करो ठीक है नाइट रूटीन में, बट दिन में भी आपको यूज़ करना है, ताकि जैसे मैंने बोला है सन प्रोटेक्शन हमें मिल सके, सन से जो स्किन हमारे डैमेज हो जाते वो ताकि ना हो। तो बस मॉइस्चराइजर के लिए कभी कभी जैसे मतलब बहुत चेंज करते रहती हूँ, और ये एक ऐसी क्रीम है जो मैं अभी से नहीं बचपन से यूज़ करी हूँ, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। निविया का ये सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ये मुझे अच्छे लगता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। प्लीज़ बताना कौन कौन ये निविया का ये वाइट वाला डब्बा यूज़ करते हो। और बचपन में तो हम लोग जो ब्लू कलर का डब्बा होता है निविया का, वो भी बहुत यूज़ किए हैं। तो बस मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, और कभी कभी दौड़ दौड़ के ऐसे किचन की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, ऐसे ही मेरा निकल जाता है टाइम, उतना मुझे ऐसे थोड़ा सा बैठ के करने में मुझे उतना टाइम नहीं लग मतलब टाइम नहीं मिलता। मैं आशा करूँगी कि मतलब सबके ऐसे ही होंगे, जो लोग खास करके हाउस वाइफ है, घर के कामों में व्यस्त रहता है, उनको खुद के लिए ऐसे ही टाइम निकलना पड़ता है, पर फिर भी निकलना चाहिए,
आप जैसे भी करती, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। बस ये हो गया। अभी देखिए स्किन केयर करने के बाद स्किन कितनी फ्रेश लगती है ना, एकदम मतलब मन खुश हो जाता है स्किन केयर करने के बाद। आप कितना भी प्रेशर में क्यों ना हो, आप कितना भी काम में क्यों ना बिजी हो, स्किन केयर करने के बाद एक होता है, एक मन से खुशी मिलती है ना। तो अभी जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो जो मॉर्निंग स्किन केयर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है पार्ट है वो है ये सनस्क्रीन वाला पार्ट। तो ये सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, इसका भी मैंने बोले थे पहले वीडियो पे कि ये सनस्क्रीन बहुत अच्छे है, अच्छे प्रोटेक्शन देता है, तो आप अगर चाहो तो ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। ये है ब्लॉसम कोचर के एरोमा मैजिक सनब्लॉक लोशन, ये काफ़ी अच्छे है। तो इसको और कुछ नहीं, इसको ज़्यादातर मतलब ऐसे जैसे दो फिंगर का ऐसे ये चला है, ट्रेन चला है। हाँ ये सच भी है, दो फिंगर वाला ही लगाना चाहिए ताकि आपके कम ना हो जाए। तो मैं भी ऐसे लूँगी और दो फिंगर लूँगी और ऐसे और एक सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, वो सनस्क्रीन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। ये सनस्क्रीन थोड़ा बजट फ्रेंडली है, उतना महंगी नहीं है, रिजनेबल दामों में एक अच्छे प्रोडक्ट आप कह सकते हो। देखो मेरा हेडफोन ही निकल गया। तो ये मेरा हो गया पूरा स्किन केयर। और एक जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो है ये फोटो स्टेबल। ये सनस्क्रीन भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे। चाहे किसी का स्किन कितना भी सेंसिटिव क्यों ना हो, अगर मतलब आप ये सनस्क्रीन आग बंद करके यूज़ कर सकते हो। ये मुझे एक डॉक्टर ने ही रिकमेंड किए थे, तब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पिंपल हो रही थी, तो तब से मैं यूज़ करती हूँ, अभी भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा सा महंगा आता है, ये 700 के आसपास शायद इसका प्राइस है, और उसका प्राइस मैं बाद में बोल दूँगी, मुझे उतना अभी याद नहीं है। तो आप ये सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। तो बस ठीक है, अभी मैं किचन की तरफ जाती हूँ, मेरे नहीं तो मेरे सब्ज़ी जल जाएगी। तो मैं आशा करूँगी आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, सुनंदा 92D मेरा ID है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।